हेलो दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और आज इस वीडियो सेशन में हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स निकले हुए हैं, जो संपादकीय इंपॉर्टेंट निकले हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले हुए हैं, एक अफगानिस्तान और तालिबान में जो शांति वार्ता चल रही है, तो उसको लेकर इंडिया को क्या चिंता करनी चाहिए, और इस समय अमेरिका ने अपने सारे सैनिकों को वहां से निकालने का जो ऐलान किया हुआ है, उसको मद्देनजर क्या पूरी रणनीति होनी चाहिए इंडिया की, उसको लेकर ये बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है। इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में एक आर्टिकल निकला हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरफेयर किया और जो कृषि कानून थे उनको, उनके क्रियान्वयन को फिलहाल के लिए रोक दिया है। तो ये जो हमारे संवैधानिक मानक हैं उन पर किस रूप में खरा उतर रहा है, तो इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान के मैटर से। तो सबसे पहले आप तालिबान के बारे में जान लीजिए। तो तालिबान बेसिकली एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान में शरिया लॉ इस्टेब्लिश करना चाहता है। इसका बेसिकली जो उदय हुआ था वो 1989 के बाद में हुआ, 1989 के बाद में, जब अफगानिस्तान से जो सोवियत फोर्सेस थी, यानी कि रूस की जो फोर्सेस थी, क्योंकि 1989 में रूस विघटित तो हुआ नहीं था, उस समय सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस थी वो अफगानिस्तान में युद्ध कर रही थी वहां की जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उससे। तो उसके बाद में जब सोवियत यूनियन जीत नहीं पाया तो वो वहां से बाहर निकल गया, और उस समय यूएस जो था वो तालिबान से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, मुजाहिदीन। यूएस जो है मुजाहिदीन को फंड करता था ताकि मुजाहिदीन जो है रूस के अगेंस्ट में खड़ा हो सके। अब मैटर ये है, आपको पता है कि रूस और यूएस की बनती तो है नहीं, तो जब अफगानिस्तान में रसिया लड़ाई कर रहा था उस समय यूएस मुजाहिदीन को सपोर्ट करता था, पैसा भेजता था, गन्स भेजता था पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान से होते हुए ये सारा माल जाता था अफगानिस्तान में, और वहां पर ये फोर्स खड़ी हुई। तो इस फोर्स के कारण रूस जो है वहां से भाग गया। उसके बाद में फिर मुजाहिदीन से ये ऑर्गेनाइजेशन तालिबान निकला। उसके बाद में 1996 में तालिबान ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया, और जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी लगभग में सब पर कब्जा कर लिया, और 90-80% लोकेशन जो थी अफगानिस्तान की वो कब्जे में आ गई। और ये कब्जा 2001 तक चला। 2001 तक क्यों चला? जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ अमेरिका के, तो अमेरिका एकदम बकला गया और फिर उसने अटैक करना शुरू किया अफगानिस्तान के ऊपर। उसके बाद में जो तालिबानी शासन था वो धीरे धीरे कुछ सिटीज से हटा और उनकी जो शक्ति है वो छीड़ होनी शुरू हुई। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इस समय जो तालिबान का आतंक है अफगानिस्तान में वो यूएस का दिया हुआ ही है। तो अब आर्टिकल में आगे डिस्कशन शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं अफगानिस्तान की लोकेशन भी। तो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की जो मुख्य सिटीज हैं आप देखते होंगे, ये काबुल और हेरात का नाम सुना होगा, कांधार का नाम सुना होगा, और जो इस समय तालिबान के मुख्य अड्डे हैं वो भी यही कांधार के आसपास के एरिया में ज्यादा है। हालांकि वो छुटपुट पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन फिलहाल उनका जो मुख्य एक अड्डा है वो यहीं पर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में है। और ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट भी करता है, क्योंकि इनके जो मुख्य सरगना होते हैं जब भी अफगानिस्तान में अटैक होता है, जैसे 2001 में जब यूएस ने अटैक किया तो इनके जो सरगना होते हैं ये पाकिस्तान में शरण ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई से ऑलरेडी बहुत पहले से इनके संबंध थे, जब इनको औजार वगैरह सप्लाई किए जाते थे सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए। तो फिलहाल हम आर्टिकल पर आ जाते हैं, जो आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात हो रही है कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में शांति वार्ता चल रही है। तो शांति वार्ता भाई क्यों चल रही है? आपको पता है कि तालिबान जो मिलिटेंट ग्रुप है वो अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहता है और अपने तरीके से शासन करना चाहता है। इसके लिए उनको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन चाहिए, चूंकि अच्छे खासे लोगों का सपोर्ट अफगान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में भी रहता है, तो इस वजह से तालिबान पूरी अफगान पर कब्जा नहीं कर पाता है। और ये भी पता होना चाहिए कि अफगान की जो सरकार है उसको यूएस भी सपोर्ट करती है। तो अभी जब तक फिलहाल यूएस के सैनिक थे तब तक तो फिलहाल कुछ ना कुछ तो अफगान की सरकार की शक्ति है ही है, वहां पर कुछ क्षेत्र में डेमोक्रेसी है। तो तालिबान चाहता है कि तालिबान का भी पार्टिसिपेशन हो सरकार में। तो अब चूंकि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर नहीं पा रहा है
और जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया है उनको वो छोड़ नहीं रहा है। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है कि अफगानिस्तान और तालिबान दोनों वार्ता करें और साथ साथ पूरे अफगानिस्तान पर रूल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाएं। तो अब इस आर्टिकल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये फोकस की जा रही है कि जब यूएस जैसा स्ट्रॉन्ग नेशन और 19 सालों तक लगातार अफगानिस्तान में अपने सैनिकों के साथ में रहा, 2001 में यूएस आया था और अभी 2020 में 21 में मान लीजिए कि यूएस की फोर्सेस निकलेंगी यहाँ से, जो कि ट्रंप ने अनाउंस किया था, तो अभी कुल मिला के 2500 के आसपास में ट्रूप्स रह गए हैं यूएस के अफगानिस्तान में, लेकिन बाकी ये भी ट्रूप्स जल्दी ही अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। तो जब यूएस जैसी महाशक्ति और खरबों रुपए, 2 खरब रुपए के आसपास में टोटल खर्चा किया है यूएस ने अफगानिस्तान में, तो 2 खरब रुपए के आसपास खर्चा करने के बाद में भी वो तालिबान को नहीं मिटा पाई, तालिबान को नहीं खत्म कर पाई, तो ऐसी कौन सी शक्ति तालिबान के पास में है या कौन सी ताकत है तालिबान के पास में जिसकी वजह से वो यूएस जैसी महाशक्ति से नहीं हारा? तो आपको बता दें कि तालिबान के पास में कोई बहुत ही हाईटेक हथियार नहीं है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बड़े बड़े टैंक्स नहीं है, या फिर उनके पास में कोई लड़ाकू विमान नहीं है जिनसे वो यूएस की फोर्सेस को अटैक करते हो या फिर वो गवर्नमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान को उसकी उसको अटैक करते हो। लेकिन उनके पास में लोग हैं, उनके पास में जो उनकी विचारधारा है वो बहुत ही स्ट्रांग है, उनका जो एक्सट्रीमिज्म वाला आइडिया है, जो उनका शरिया लॉ वाला आइडिया है, उनके उनका जो पूरा एक ग्रुप है उसकी जो विचारधारा है वो लोगों के अंदर उस विचारधारा को कूट कूट कर भरते हैं, वो सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि सरकार जो है अत्याचारी है और इसी सरकार की वजह से पूरा अफगानिस्तान गरीब है और आप लोग गरीब हैं, और वो जिहाद की भावना को प्रेरित करते हैं। उनके जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहाँ से रिक्रूट करते हैं, और जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उनके साथ में उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक विचारधारा है तालिबान, और आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन आप एक विचारधारा को नहीं मार सकते, ये चाहे आप गांधी जी का केस देख लीजिए या फिर मंडेला का केस देख लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का ये वर्चस्व है ये उनकी विचारधारा से रिलेटेड है, और इस विचारधारा को हम कैसे, या फिर पूरा जो हमारा मिडिल ईस्ट है या साउथ एशिया है वो कैसे इसको कर्व कर सकता है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो अफगानिस्तान है वो गांव में बसता है, वहां पर ज्यादातर गांव है और खेती वगैरह ज्यादा अच्छी होती नहीं, सिर्फ ओपियम की खेती होती है, अफीम की खेती होती है ज्यादातर वहां पर, तो गरीबी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अच्छी एजुकेशन नहीं पाते हैं, और ज्यादातर ये जो धार्मिक रेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशन मदरसे वगैरह होते हैं वहां पर, तो उन्हीं में वो स्टडी करते हैं और फिर वहां से डायरेक्टली तालिबान के द्वारा रिक्रूट कर लिए जाते हैं। तो अब चूंकि वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों के पास में खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, उनको खाने रहने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि सरकार है नहीं एक स्टेबल तो वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो दूसरा ऑप्शन देखते हैं और दूसरा ऑप्शन उनको तालिबान नजर आता है। तो यही एक रीजन था कि लगातार तालिबान जो है यंग लोगों को रिक्रूट करता गया और उनकी जो शक्ति थी वो समय समय पर कमजोर जरूर पड़ी लेकिन खत्म नहीं हो पाई। और अब जब यूएस अफगानिस्तान से निकल रहा है तो इतनी चांसेस बढ़ गई हैं कि अब तालिबान की जो शक्ति है वो और स्ट्रांग होगी। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है जिसकी वजह से यूएस तालिबान का युद्ध नहीं जीत पाया, वो था पाकिस्तान। यूएस ने कभी पाकिस्तान पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो तालिबानी जो लीडर्स होते थे जब भी अटैक होता था अफगानिस्तान पर वो पाकिस्तान के अड्डों में छिप जाते थे, क्योंकि जो उनका एरिया है, जो उनका ऑक्युपाइड एरिया है, आप अगर देखिए इस मैप में, ये है अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान का एरिया है, ये वाला पूरा जो आप देख रहे हैं, इसमें जो डार्क ग्रीन है ये तालिबानी एरिया है। तो आप देखिए कि किस तरीके से स्कैटर्ड है इनका एरिया पूरे अफगानिस्तान में। उसके बाद में जो ये लाइट ग्रीन है ये कंटेस्टेड है, मतलब कि यहाँ पर अभी लगातार विद्रोह चल रहा है सरकार और तालिबान के बीच में। और जो ये व्हाइट से एरिया दिखाया गया है इसमें सिर्फ डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो अब आप समझ लीजिए कि कितने कम एरिया में डेमोक्रेसी है, और तालिबान की जो शक्ति है वो लगभग में पूरे अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो अब इनके जो मुख्य ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है, तो जब भी कोई अटैक होता है तो इनके जो सरगना होते हैं वो आके पाकिस्तान में छिप जाते हैं। पाकिस्तान की ISI के लिंक होते हैं इनके साथ में, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान ये भी चाहता है कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान सपोर्टेड गवर्नमेंट हो,
क्योंकि जब वो तालिबान सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी वहां पर, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन को पूरे विश्व में टेररिज्म फैलाने के लिए यूज कर सकता है। और जो यहाँ पर ओपियम की खेती होती है, मुख्य रूप से जो ओपियम की खेती होती है, उसी से पूरा टेररिज्म की फंडिंग होती है। तो अब फंडिंग करना भी आसान रहेगा अफगानिस्तान में। तो अब जब यूएस ऑलरेडी निकल ही रहा है अफगानिस्तान से, तो हमें ये जानना जरूरी है कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब चूंकि यूएस ने जब तालिबान से वार्ता की, आपको पता है कि लास्ट ईयर पिछले साल कतर दोहा में जो है यूएस और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में बातचीत हुई कि जो है यूएस जो है वो अफगानिस्तान से निकल जाएगा और जो वो उसकी आर्मी है उसको कम कर देगा, और जितने भी प्रिजनर्स अफगानिस्तान में तालिबान के बंद है, यानी कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास में जो भी प्रिजनर्स हैं वो बंद हैं तालिबान के, उनको भी यूएस जो है छोड़ने के लिए बोलेगा अफगानिस्तान को। उसके बदले में जो तालिबान है वो हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाएगा अफगानिस्तान में। और सबसे बड़ी बात थी कि ये जो यूएस और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई, इसमें अफगानिस्तान की सरकार का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था, अफगानिस्तान थी ही नहीं सरकार। तो अब जब इन दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत हुई और अफगानिस्तान वहां पर प्रेजेंट नहीं था, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। क्या प्रॉब्लम्स हो गई कि जैसे जब यूएस ने तालिबान से बोला था कि जो भी उसके जो भी प्रिजनर्स हैं वो अफगानिस्तान में बंद हैं जेलों में, तो यूएस बोलेगा अफगानिस्तान से कि इनको छोड़ दो, लेकिन अफगानिस्तान ने बोला कि जब हम समझौते के टाइम पर थे ही नहीं तो हम क्यों माने इस बात को, और यूएस का अधिकार हमारी जेलों पर नहीं है। तो फिर अब बातचीत में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। और दूसरी बात, जब यूएस ने तालिबान के साथ में सिर्फ बात की यानी कि, और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को बुलाया तक नहीं, इसका मतलब यूएस किसको वैल्यू दे रहा है? यूएस तालिबान को वैल्यू दे रहा है। मनोबल किसका बढ़ रहा है? तालिबान का बढ़ रहा है कि देखिए हम तो झुके नहीं यूएस के सामने, और यूएस को हमसे बात करने के लिए झुकना पड़ रहा है, हमारे सामने आना पड़ रहा है। तो इससे क्या मैसेज गया है अफगानिस्तान में कि जब यूएस की फोर्सेस वापस जाएंगी अफगानिस्तान को छोड़कर, तो उसके बाद में तालिबान एक बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरेगा अफगानिस्तान में, ये मैसेज जा रहा है। और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो धीरे धीरे वीक पड़ रही है। तो अब आज अफगानिस्तान में ऑलरेडी इतनी पॉवर्टी है, लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, तो वो लोग हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जाएंगे जो मजबूत होगा, जो उनको खाने के लिए रोटी दे सके। तो इतनी उम्मीद की जा रही है कि तालिबान को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले समय में, और इसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को उठाना पड़ सकता है। तो इसका इंडिया को नुकसान कैसे उठाना पड़ सकता है कि आपको पता है पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद लश्करे तोयबा इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तालिबान का साथ है। तो जब तालिबान सपोर्टेड सरकार बनेगी अफगानिस्तान में, और यही पाकिस्तान चाहता है, तो जो अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका यूज किया जाएगा इंडिया में टेररिज्म बढ़ाने के लिए और ज्यादा, और साथ ही साथ अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। इंडिया ने अफगानिस्तान की जो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक सरकार थी उसके साथ में कुछ टाई अप्स किए थे, और वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड की डेवलपमेंट के लिए या हॉस्पिटल्स के डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट्स के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अच्छा खासा फंड्स लगा के रखे हैं अफगानिस्तान में। तो जब तालिबान की सरकार बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है वो तो डूब जाएगा पूरी तरीके से। और अगर इंडिया ज़्यादा इंटरफेयर करता है इस टाइम पर अफगानिस्तान में, तो ऐसा भी संभव है कि जो तालिबान है वो इंडिया के खिलाफ कड़ा रुख अपना ले, क्योंकि अभी तालिबान जो है वो इंडिया के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि इंडिया भी ज्यादा मतलब नहीं रखता है तालिबान से। तो अगर फ्यूचर में कभी इंडिया तालिबान के अगेंस्ट में बिल्कुल खड़ा हो गया, तो ऐसा संभव है कि तालिबान जैसे मोहम्मद और ये लश्करे तोयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर इंडिया में हैवली टेररिज्म फैला दे। तो इस तरीके के जो समीकरण बन रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं यूएस के निकलने के बाद से। तो अब ज्यादा से ज्यादा ये इंडिया को करना चाहिए कि इंडिया को सबसे पहली बात कि जो इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है यानी कि जो खुफिया तंत्र है उसको बढ़ाना चाहिए, और अफगानिस्तान में इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है यानी कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी पिक्चरें वहां पर देखी जाती हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे जाते हैं, तो उनके प्रति अगर अफगानिस्तान के लोकल लोगों का लगाव होगा तो वो भारत की प्रेजेंस को अफगानिस्तान में जरूर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान में जब अमेरिकन्स थे तो अफगानिस्तान के जो नेटिव लोग हैं वो अमेरिकन्स को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, ये भी रीजन था।
तो हमें ये भी इम्पोर्टेंस है कि अगर हम अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो वो सबसे पहली बात तो हम अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके आए, तभी हम ये जो प्रॉब्लम है तालिबान वाली, इसको टैकल कर सकेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को बचा सकेंगे और अपनी ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि हमारे लिए अफगानिस्तान का स्टेबल होना, सिक्योर होना भी जरूरी है, क्योंकि हम बिजनेस करेंगे आने वाले समय में तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से करेंगे, और हमारा जो माल होगा वो इंडिया से होकर यहाँ ईरान का जो हमारा छाबर पोर्ट है, छाबर पोर्ट तक जाएगा और यहाँ से फिर होते हुए अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब इलाकों में जाएगा। तो अगर हमें प्रॉस्पेरिटी लानी है, हमें आगे बिजनेस करना है, तो हमें कुछ और डिप्लोमेटिक रास्ते, कूटनीतिक रास्ते निकालने होंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। उसके बाद में जो अगला आर्टिकल है वो किसान आंदोलन से रिलेटेड है। आपको पता है कि पिछले करीब 53 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी बीच हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चूंकि गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है किसान आंदोलन और सरकार के बीच में, तो उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया और उन्होंने एक समिति का निर्माण किया 4 सदस्यीय, और साथ ही साथ जो किसान कानून थे उनके क्रियान्वयन को रोक दिया, यानी कि 3 जो कृषि कानून थे वो फिलहाल लागू नहीं होंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला ऑर्डर नहीं आ जाएगा। तो अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो वो ये पूरा लेख लिखते हैं। तो वो बताते हैं कि जब संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय पर बहस चल रही थी, तो हमारे एक संविधान निर्माता HV पाटकर जी थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो न्याय का प्रधान है वो सम्राट माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई सम्राट नहीं है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है, उसे विशेष शक्तियां दी जानी चाहिए, और यही संविधान में किया गया। जो हमारी न्यायपालिका है उसको एकदम स्वतंत्र रखा गया, और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव, और जो हमारी विधायिका है यानी कि लेजिस्लेचर, उन तीनों को भी इंडिपेंडेंट रखा जाए, और तीनों के जो कार्य क्षेत्र हैं उनको अलग अलग रखा जाए। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत भी अपनाया गया। इसको संविधान के आर्टिकल 50 में बताया गया है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है यानी न्यायपालिका, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका, उन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन हो, यानी कि कोई भी विधि या कानून हो या फिर कोई भी कार्यपालिका के द्वारा किया गया कार्य हो, उसको रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन उसके लिए कुछ मानक है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी लेजिस्लेचर, किसी भी कानून को अगर स्थगित करता है, तो उसके लिए पहले उसको रिव्यू किया जाता है कि यह कुछ मानकों पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। जैसे या तो वो कानून भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के हिसाब से सही ना हो, अर्थात अगर कोई भी कानून संविधान में उल्लिखित जो भारत के नागरिकों के अधिकार हैं अगर उनका हनन करता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, यानी कि वो कानून निरस्त हो जाता है, या फिर अगर कोई कानून भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि जो मूलभूत संरचना है हमारे संविधान की, अगर उसको विघटित करने की कोशिश करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो कानून भी निरस्त माना जाता है। तो कानून का निरस्तीकरण या उसके क्रियान्वयन पर रोक तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून पूरी तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट रिव्यू किया हो, लेकिन किसान कानूनों के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने सडनली ऑर्डर दे दिया कि जो किसानों के कानून हैं इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। तो वही बात लेखक कहते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की स्वतंत्रता है और उसकी एक कार्य क्षेत्र की गरिमा है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करे। सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि उसको पूरा कानून ठीक से रिव्यू करना चाहिए था, और अगर उसमें किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन हो रहा है, अगर ये साबित हो जाता तो केसेस को, तो कानूनों को जरूर स्थगित करना या क्रियान्वयन के लिए रोक देना चाहिए था। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दलील दी है कि ये कानूनों का सिर्फ क्रियान्वयन रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ कि हाँ, हम मानते हैं कि ये एक असाधारण स्थिति है और इससे पहले ऐसी स्थिति नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि ये क्रियान्वयन को रोका गया है, ना कि इसको स्थगित कर दिया गया है, कानूनों को हटाया नहीं गया है।
उसके बाद में लेखक कुछ पुराने केसेस का हवाला देते हैं और बताते हैं कि इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं दिया था, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसमें काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तो उसकी रोक पर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे याची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। उसके बाद में 2013 में सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पादों संबंधी अधिनियम, 2019 में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट जो आया था। तो इन सभी कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था यह कहते हुए कि ये उसका कार्यक्षेत्र नहीं है, यानी कि कानून बनाना ये संसद का कार्य शक्ति है और इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसके बाद में लेखक कहते हैं कि कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं कि इन कानूनों का संसद में ठीक से डिस्कशन नहीं किया गया, इसको समिति के पास नहीं भेजा गया ताकि ये ठीक से इनके जो पॉइंट्स थे उन पर डिस्कशन हो पाता। तो लेखक यही बात कहते हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है और जिसके पास में बहुमत होता है, यह मान लिया जाता है कि वो पार्टी लोगों का विचार है, और फिर किसी प्रकार के बहुमत की बात क्यों हो रही है जब ऑलरेडी सरकार के पास में मैंडेट है कोई भी कानून बनाने का। तो बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार को अल्टीमेटली तो जनता ने ही चुना है। खैर, लेखक की बात यहाँ पर सही है, लेकिन जहां तक संभव हो सके तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट होता है, और चाहे वो पार्टिसिपेशन हमारे सिर्फ सत्तारूढ़ के जो मेंबर्स हैं सिर्फ उनका ही नहीं, विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन और जो है पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो ये ज्यादा अच्छा होता है डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद में लेखक बात करते हैं कि कोई भी विधि कानून जो है वो न्याय के विरुद्ध हो सकता है, या शासन के जो मूल सिद्धांत हैं, यानी कि हो सकता है कि जो कोर्ट चाहता है उसके अगेंस्ट में भी कोई कानून हो, या फिर जो हमारे शासन के मूल रूल्स होते हैं उनके भी अगेंस्ट में हो, लेकिन इसका जो है संसद के विवेक पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अर्थात जो संसद है वो हो सकता है कि उसने कानून में भूल की हो, लेकिन वो भूल सुधारेगा भी संसद ही, ये अधिकार होता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के भी एक स्टेटमेंट का यहाँ पर हवाला दिया जाता है कि जो संसद की प्रभुत्व संपन्न इच्छा के ऊपर न्यायपालिका अपना निर्णय नहीं ला सकता, यानी कि संसद इतना अपने आप में इंडिपेंडेंट है कि उसका जो भी डिजायर्स हैं, उसके जो भी कानून हैं, उसके ऊपर न्यायपालिका अपना कानून नहीं ला सकता। तो कुल मिला के इसी तरीके की विचार पूरे जो है आर्टिकल में रखे गए हैं। आप लोग अपने हिसाब से बताइए कि क्या न्यायपालिका को इंटरफेयर करना चाहिए संसद के कार्यों में कि नहीं, आप लोग अपने विचार रखिए। और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से आने वाले टाइम में क्या कोई गलत मैसेज जाएगा कि लोगों में, कि लोग अगर चाहें तो अगर कोई कानून पास होता है तो उसके खिलाफ दंगा और आंदोलन करें, और सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर उसका क्रियान्वयन रोक सकता है, क्या इस तरीके का मैसेज जाएगा फ्यूचर में, कृपया बताइए। एंड थैंक यू सो मच फिलहाल आज के लिए डिस्कशन के लिए।